नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लट्ठक गैलेक्सी पर दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में वार्म वार्मविल कटिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों बहुत ही डिमांडिंग वीडियो थी ये और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि वार्म वारव्लिंग के बारे में बताइए वार्मिंग मशीन पर कैसे काटी जाती है बताइए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वारम एंड वार्मील जो है जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये आपका व्हील है और ये दोस्तों ये ऊपर वाम दिखाया गया है और नीचे व्हील दिखाया गया दोस्तों ये राइट हैंड बाम शाफ्ट है अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो वाम व्हील जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है दोस्तों ये लेफ्ट हैंड बाम है तो वाम को जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हमारा जो वाम व्हील है वो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें वॉम एंड वाम व्हील की वर्किंग दिखाई गई है जब हम वाम को घुमाते हैं तो वाम व्हील हमारा घूमता है या वाम व्हील को घुमाते हैं तो हमारा वाम घूमता है दोस्तों वाम इज ए एंडलेस स्क्रू इट इज़ यूज विद वाम व्हील टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हील इट इज़ मोस्टली यूज इन चेन पुली ब्लॉक टू रिड्यूस द स्पीड फॉर लिफ्टिंग लोड्स इट इज़ ऑल्सो यूज इन इंडेक्सिंग हैड नाउ डेज इट इज़ यूज इन यूज टू लिफ्ट एंड क्लोज द बिग साइज़ शटर्स ऑफ शॉप्स एंड मॉल्स दोस्तों एक वाम जो है एक एंडलेस स्क्रू है इसका इस्तेमाल पुली ब्लॉक में किया जाता है स्पीड को रिड्यूस करने के लिए और लोड को लिफ्ट करने के लिए और जो बड़े साइज़ के शटर्स होते हैं आजकल हैंडल लगा होता है उसमें हैंडल से घुमाते हैं तो वो वार्मील वार्म वार्म टेक्निक में काम करता है वो दोस्तों वाम राइट right हैंड हो सकता है या लेफ्ट हैंड हो सकता है जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था दोस्तों ये राइट हैंड बाम शाफ्ट की एक ड्राइंग दिखाई गई है नीचे और ये लेफ्ट हैंड बाम की है तो इसमें मैंने बताया था कि आपको राइट right साइड में घुमाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएँ बाम को तो हमारा बिल जो है लेफ्ट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाता है तो दोस्तों वाम कैन बी प्रोड्यूसड ऑन लेथ मशीन और मिलिंग मशीन तो वाम को हम लोग मिलिंग मशीन में बना सकते हैं लेथ मशीन पे भी बना सकते हैं थ्रेड मिलिंग कटर और इन कटर इज़ यूज ऑन मिलिंग मशीन तो अगर मिलिंग मशीन पे हम लोग बनाएँ तो थ्रेड मिलिंग कटर का इस्तेमाल होगा या इन कटर का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल पैरल मिलिंग अटैचमेंट का इस्तेमाल करेंगे या रैक कटिंग अटैचमेंट का इस्तेमाल करेंगे बॉम की कटिंग के लिए वाम इज़ हेल्ड बिटवीन डिवाइडिंग हेड एंड सेंटर ऑन बेड ऑफ मिलिंग मशीन तो मिलिंग मशीन की जो टेबल होती है उसके ऊपर डिवाइडिंग हेड और सेंटर के बीच में हम लोग बॉम शाफ्ट को लगाते हैं जो स्पिंडल ऑफ डिवाइडिंग हेड इज विथ टेबल यूजिंग गेयर टेन तो जो डिवाइडिंग हेड का जो स्पिंडल है उसको गेटेन के द्वारा टेबल टेबल के साथ में जोड़ा जाता है गेट एन के द्वारा और जो मशीन की जो टेबल है उसको जो हेलिक्स एंगल है हमारा बम का उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं दोस्तों कुछ टर्म्स हैं इसमें एक लीनियर पिच है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ टीथ एट द एक्सिस पैरल टू एक्सिस ऑफ वाम तो लीनियर पिच जो है दो दांतों के बीच का जो गैप है और लीनियर पिच जो है वो लीड ऑफ वाम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टार्ट से निकाली जा सकती है जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है इफ वॉम एंड वाम विल आर एट राइट एंगल टू इच अदर देन लीनियर पिच इज इक्वल टू सर्कुलर पिच तो यदि वॉम एंड वाम विल हमारे राइट एंगल पर हैं तो लीनियर पिच जो है वो सर्कुलर पिच के बराबर होगी लीड इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉम इन वन कम्प्लीट रोटेशन तो ये नहीं हमारा बॉम एक चक्कर पूरा घूमता थ्री डिग्री घूमता है तो कितना आगे बढ़ता है हमारा तो वो हमारा क्या लाता है जैसा कि हम लोग थ्रेड में भी देखते हैं तो लीड इज इक्वल टू लीनियर पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट तो नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू लीनियर पिच के बराबर रहता है लीड हमारा एलिमेंट्स ऑफ बॉम तो हेलिक्स एंगल इट इज द एंगल एट विच थ्रेड ऑफ बॉम्ब इन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ बॉम तो दोस्तों जो थ्रेड की टर्मिनोलॉजी है उसी से हम लोगों ने यहाँ पर एंगल लिया है तो जो थ्रेड्स के अंदर हेलिक्स एंगल रहता है वही हमारा यहाँ पर भी हेलिक्स एंगल है बॉम्ब के केस में भी क्योंकि बॉम्ब भी मोर और लेस एक तरह की थ्रेड ही है थ्रोट डायमीटर ऑफ बॉम व्हील इट इज़ इक्वल टू द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्पेरगियर तो जैसा स्पेरगेर में हम लोग निकालते हैं एक्सटर्नल डायमीटर उसी प्रकार से हमारा थ्रोट डायमीटर भी निकलता है बॉम्ब्हील का थ्रोट डायमीटर इज इक्वल टू सर्कल डायमीटर प्लस टू इंटू एडेंडम जैसा कि हमारा स्पर्गियर में होता है, तो वही हमारा यहां पर भी है टूथ प्रोपोर्शन इफ द प्रेशर एंगल पंद्रह डिग्री और हेलिस एंगल साढ़े चौदह डिग्री और ग्रेटर देन ऑल अदर पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड एज पर नॉर्मल नॉर्मल सर्कुलर पिच दोस्तों यदि प्रेशर एंगल पंद्रह डिग्री हो और हेलिस एगल साढ़े चौदह डिग्री या ज्यादा हो तो सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हमारे नॉर्मल सर्कुलर पिच के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किए जाएंगे तो नॉर्मल सर्कुलर पिच इज इक्वल टू लीनियर पिच इंटू कॉस ऑफ हेलिक्स एंगल और एडेंडम जो है वो 0.3183 पॉइंट नॉर्मल सर्कुलर पिच है होल डेप्थ इक्वल टू जीरो पॉइंट डबल सिक्स इंटू नॉर्मल सर्कुलर पिच और ब्रिथ ऑफ थ्रेट टू इक्वल टू जीरो पॉइंट नॉर्मल सर्कुलर पिच तो इस प्रकार से हम लोग खुद प्रपोर्शन हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों कुछ और फॉर्मूलाइज भी हमें ज़रूरत पड़ती है बॉम और बॉम व्हील के केस में तो लीनियर पिच इजगल टू एल पी इजगल टू एल डिवाइड बाई एन सर्कुलर पिच ऑफ बाम व्हील इक्वल टू सी पी इजगल टू पी डी जी इंटू पाई डिवाइडेड बाई एन पिच डायमीटर ऑफ बाम व्हील पी डी जी इजगल टू एन इंटू एल पी डिवाइड बाई पाई पिच डायमीटर इजगल पिच डायमीटर ऑफ बाम इजगल टू पी डी डब्ल्यू इजगल टू ओ W माइनस टू इंटू ए तो इसमें ओ डी डब्ल्यू मीन्स आउटर डायमीटर ऑफ व्हील तो एडेंडम ऑफ वाम टूथ इजल टू एजल टू जीरो पॉइंट थ्री वन एट थ्री इंटू लीनियर पिच तो एल पी से हम लोगों ने डिनोट किया है इसको सेकेंड टेबल है होल डेप्थ ऑफ वाम टूथ इजल टू डब्ल्यू डी इजल टू पॉइंट सिक्स एट डबल सिक्स इंटू एल पी Center distance between worm and worm wheel is equal to CD is equal to PDG plus PDW divided by 2. Root diameter of worm is equal to RD is equal to ODW minus 2WD. Helix angle of worm 10 alpha is equal to L divided by PDW into pi. Width of thread tooth at n t is equal to 0.31 into LP. डरेंडम ऑफ बॉम टूथ डी इजल टू पॉइंट थ्री सिट थ्री इंटू एल पी नॉर्मल सर्कुलर पिच इज इक्वल टू एल पी इंटू कॉस एल्फा थ्रो डायमीटर ऑफ बॉम्ब्हील टी डी इक्वल टू पी डी जी प्लस टू ए रेडियस ऑफ बॉम व्हील थ्रोड आर इज इक्वल टू ओ डी डब्ल्यू डिवाइड बाई टू माइनस टू ए डायमीटर ऑफ बॉम व्हील टू शार्प कॉर्नर ओ इक्वल टू टू आर माइनस आर कॉस बीटा बाई टू प्लस टी डी फोर्स टेबल की तरफ बढ़ते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ बॉम फॉर कंप्लीट एक्शन एक्स इक्वल टू अंडर रूट एट पी डी जी इन टू ए आउटसाइड डायमीटर ऑफ बॉम ओ डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी डब्ल्यू प्लस टू ए वेलोसिटी ऑफ्टी रेशू वी टू आर पी एम ऑफ बॉम डिवाइड बाई आर पी एम ऑफ व्हील विच इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई मैक्सिमम वेर तो फेस ऑफ रिम एफ इजिकल टू टू अंडरवुड ए स्क्वेयर प्लस पी डी डब्ल्यू ए और फेस एंगल बी इजिकल टू सिक्सटी डिग्री टू अस्सी डिग्री नॉर्मली ये पचहत्तर डिग्री रखा जाता है दोस्तों दोस्तों यहाँ पे बॉर्नमेन व्हील की एक वर्किंग ड्राइंग दिखाई गई है जहाँ पर ऊपर वाला जो ब्लैक वाला ये हमारा बॉम्ब है और जो गियर है हमारा बॉम्बील है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैलकुलेट द एसेंशियल एलिमेंट टू कट पांच बटा सोलह इंच सिंगल स्टार्ट बॉम ऑन डेढ़ इंच डायमीटर शाफ्ट व्हेन मिलिंग मशीन लीड स्क्रू हैव चार टी पी थ्रेड तो मिलिंग मशीन के लीड स्क्रू पर चार टी पी की थ्रेड है और पांच बटा सोलह इंच का सिंगल स्टार्ट बॉम काटना है और जबकि उसका डायमीटर डेढ़ इंच का दिया गया है तो हम देख लेते हैं क्या करते हैं आउटर डायमीटर ऑफ बॉम इज गल टू तीन बटा इंच लीनियर पिच इक्वल टू पाँच बटा सोलह इंच लीड ऑफ बॉम इक्वल टू पाँच बटा सोलह गुणा क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्ट सिंगल है तो इन वन है तो पाँच बटा सोलह ही रहेगा ऑन लीड स्क्रू ऑफ मशीन इजल टू फोर टीपीआई जो हमारा गिवन है डायमेट्रल पिच डायमेट्रल पिच इक्वल टू पाई डिवाइड बाई एक्सल पिच इजल टू बाईस बटा सात डिवाइड बाई पाँच बटा सोलह कम्स टू बी टेन डी पी टेन पॉइंट जीरो फाइव कम्स टू बी नीरली टन डी पी एडेंडम इजल टू वन अपॉन डी पी तो पॉइंट वन इंच के बराबर आ गया पिच डायमीटर मीटर इजल टू ओ डी माइनस टू इंटू एडेंडम तो ओ डी हमारा डेढ़ इंच है माइनस दो गुणा एडेंडम हमारा जो है पॉइंट वन आया अभी जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया तो पिच डायमीटर हमारा वन पॉइंट थ्री इंच निकल कर आ जाता है तो टेन ऑफ एलिकस एंगल का फार्मूला है हमारा पी डी इंटू पाई डिवाइड बाई लीड तो 1.3 पॉइंट थ्री इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन होल डिवाइड बाई पाँच बटा सोलह विच कम्स टू बी तेरह पॉइंट ज़ीरो सात चार तो अगर हम एंगल निकालें टेबल से तो 85 डिग्री पॉइंट थर्टी सिक्स मिनट आता है और 90 में से माइनस करने के बाद वो सेटिंग सेट ओवर एंगल जो है जो टेबल पे हम लोग सेट करेंगे वो चार डिग्री चौबीस मिनट निकल कर आ रहा है हमारा तो होल डेप्थ जो है वो हमारा आएगा पॉइंट सिक्स एट डबल सिक्स इंटू एल पी विच इज कम्स टू बी पॉइंट टू वन फोर इंच तो गियर रेशो निकालने के लिए हमारे पास ड्राइवर अपॉन ड्रिवन इसील टू एक बटा चार डिवाइड बाई पाँच बटा सोलह तो सोलह बटा बीस यानी कि बत्तीस बटा चालीस आ जाता है तो ड्राइवर का गियर हमारा बत्तीस टीथ का और ड्रिवन गियर जो चालीस टीथ का हमारा रहेगा अब बॉम को कटिंग करनी है तो उसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे प्रिपेयर द वर्क पीस बाई फेसिंग सेंटर ड्रिलिंग टर्निंग एज पर ड्राॅइंग तो जो हमारे को ड्रॉइंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग शाफ्ट की फेसिंग सेंटर ड्रिलिंग टर्निंग इत्यादि हम लोग कर लेंगे जैसा कि रिक्वायरमेंट हमारी है अब क्या करना है होल्ड द वर्क बिटवीन डिवाइडिंग हेड एंड सेंटर ऑन मिलिंग मशीन तो ये हम लोगों को मिलिंग मशीन के ऊपर डिवाइडिंग हेड और सेंटर के बीच में बांध लेना है कंपोनेंट को हमारा माउंट द थर्ड मिलिंग कटर ऑन रैक कटिंग अटैचमेंट और यूनिवर्सल स्पायरल मिलिंग अटैचमेंट तो इन दोनों से जो अटैचमेंट हमारे पास अवेलेबल हो उसमें हम लोग मिलिंग कटर को बांध लेंगे जॉइंट स्पिंडल ऑफ डिवाइडिंग हेड विथ टेबल बाय गियर्स 32 टीथ गियर ऑन टेबल शाफ्ट एंड 42 एंड 40 टीथ गियर ऑन डिवाइडिंग हेड तो दोस्तों डिवाइडिंग हेड का जो स्पिडल है उस पर चालीस दातों का गेयर लगेगा और जो टेबल की जो शार्ट है उसके ऊपर बत्तीस दातों का गेयर लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें डिवाइडिंग हेड का स्पिंडल दिखाया गया है जिस जिसपे हम लोग चालीस दाँतों का गेयर लगा होना चाहिए दोस्तों ये डायग्राम जो फोटो है इसमें दाते ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मैंने फोर्टी टीथ का गियर मेंशन किया है लेकिन ये वास्तव में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन यहाँ पे फोर्टी टीथ का गियर हम लोगों को लगाना है और जो यहाँ पर टेबल स्क्रू जो ब्लू में दिखाया गया है इस पर थर्टी टू डी का गियर हमारा होना चाहिए और बीच में दो गियर लगाए हैं जिनको हम लोग आइडलर गियर गए दोस्तों आइडलर गियर जो हैं वो सिर्फ गैप को फिल करने के लिए रखे जाते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं गैप बिटवीन गियर्स कैन बी फिल्ड बाय इंसर्टिंग आइडलर गियर्स जैसा कि मैंने बताया था कि आइडलर गियर हम लोग लगाते हैं गैप को फिल करने के लिए अब जो टेबल है हमारी उसको चार डिग्री चौबीस मिनट पर सेट करना है हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया था तो उसमें चार डिग्री चौबीस मिनट निकल कर आया था जो सेट ओवर एंगल है दोस्तों यहाँ पर जो टेबल पे जो एंगल सेट करते हैं यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई गई है वहाँ पर पंद्रह डिग्री सेट किया हुआ है लेकिन हम लोगों को चार डिग्री चौबीस मिनट पे सेट करना है इसको तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं जाना है हम लोगों लोगो को हम लोगों को कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाना है अब इसके बाद में क्या करना है मूव क्रैंक हैंडल ऑफ डिवाइडिंग इज रोटेटेड देन टेबल विल मूव एंड डिवाइडिंग हेड स्पिंडल विल रोटेट जब हम लोग क्रैंक हैंडल डिवाइडिंग हेड के क्रैंक हैंडल को घुमाते हैं तो टेबल भी मूव करेगी और डिवाइडिंग हेड स्पिंडल भी रोटेट करेगा अब जो टेबल है हमारी उसको हम लोगों को फुल डेप्थ के ऊपर सेट कर देना जितनी भी थ्रेड की डेप्थ हम लोगों को रखनी है वो हम लोग सेट कर लेंगे इसके ऊपर और फुल डेप्थ कर देंगे अब मशीन जो है हमारी रेडी है नाउ मशीन इज रेडी स्विच ऑन द मशीन एंड बाय रोटेटिंग क्रैंक हैंडल कंप्लीट द बॉम कटिंग तो हमारी इस तरह से हमारी मशीन रेडी हो जाती है अब हम लोग मशीन को ऑन करके क्रैंक हैंडल को घुमाते हुए बॉम्ब की कटिंग पूरी कर सकते हैं दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो इस नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके दोस्तों आज हम लोगों ने बॉर्म एंड मिल कटिंग के बारे में बात की दोस्तों यहाँ पर डिवाइडिंग हेड और टेबल पे किस तरह के गियर्स लगाए जाते हैं उस प्रकार के टेबल बनाई गई है दोस्तों इस तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे तो बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल पे धन्यवाद